पहले पार्ट में देखा कि जो खराटे बहुत लाउड होते हैं और किस प्रकार के खराटों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी। तो ये कारण क्या है? तो कुछ कारण है जिसकी वजह से ये खराटे इतने ऊंची हो जाते हैं। पहला तो कारण यही है कि हमारे नाक में कुछ एक हड्डी होती है, कुछ फिल्टर टाइप चीजें होती हैं। अगर वो बहुत बड़े हो जाएंगे, जैसे कोई एलर्जी के कारण, तो ये नोज का जो पैसेज है वो नैरो हो जाएगा और जो हड्डी है वो बीच में होने की बजाय किसी एक तरफ को आ जाएगी। बचपन में कभी चोट लगी या कुछ और तरीके से, तो वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी। दूसरा है कि टंग या जीभ के पीछे तालुआ, ये गले की जो नैरोइंग, तो अगर वजन बहुत बढ़ गया है लास्ट कुछ समय में, 10 किलो 15 किलो वजन जो बढ़ जाएगा वो भी गले के आसपास आएगा और इसको नैरो कर देगा ताकि वो साउंड और ऊंचा हो जाएगा। कुछ हैबिट्स जैसे कि अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, वो भी इस ब्रीदिंग के पैसेजेस को नैरो कर देते हैं और खराटों को और तेज कर देते हैं या आवाज लाउड हो जाती है। अब हम मैं सिंपल सी चीज बताऊंगी। तो अगर ये बहुत लाउड है और इसके साथ चोकिंग है और सुबह उठने में बहुत थकावट महसूस होती है, तो हमको इसकी जांच करनी चाहिए। तो जांच होती है एक स्लीप टेस्ट के जरिए जो रात की नींद को मापता है। कई प्रकार के स्लीप टेस्ट होते हैं। मैं इस वीडियो में आपको एक सिंपल तरीका का स्लीप टेस्ट बता रही हूँ जो आजकल का समय देखते हुए आपके घर में हो सकता है, आप खुद कर सकते हैं। मशीन हमारे से लेनी होती है और उसको अगले दिन फिर वापस हो जाती है और इसमें पूरी रात का डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। इसमें कोई टेक्नीशियन को घर में रहने की जरूरत नहीं पड़ती और एक वीडियो या आपको फेस टू फेस सिखाया जाता है कि अपने आप कैसे लगाई जाए। तो ये मेन मशीन है। इसके अंदर एक तीन पार्ट्स मेन होते हैं। एक है अपनी जो रात भर उंगली के ऊपर रहता है और जो ऑक्सीजन रिकॉर्ड करता है, तो एक ये रहेगा। दूसरा एक बेल्ट होती है जो चेस्ट के आसपास जाके इसके ऊपर लग जाती है और इसको टाइटली पहना जाता है ताकि ये ब्रीदिंग की मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सके। थर्ड पार्ट होता है कि जो एक नोज की जो स्नोरिंग है उसको रिकॉर्ड करे और ब्रीदिंग, और वो बिल्कुल नॉस्ट्रिल के नीचे रहता है। तो ये मशीन रात भर आप पहन सकते हैं। इसको अगर उठ के बाथरूम जाना हुआ तो बाथरूम जा सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत हिचकिचाहट की बात नहीं होती। और इससे हमें पता क्या चलता है? हमें तीन चार चीजें पता चलती हैं। एक के रात भर में वाकई में स्नोरिंग कितनी रही, सांस कैसा रहा, कितने समय के लिए सांस रुका, कितनी दफा ये सांस रुका, और रात भर ऑक्सीजन का क्या हाल रहा, ऑक्सीजन डिप हुई तो कितनी डिप हुई, लोवेस्ट क्या रही। तो इन सब इंफॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि खाली स्नोरिंग है, स्नोरिंग के साथ स्लीप एपनिया है, और अगर स्लीप एपनिया है तो माइल्ड है, मॉडरेट है और सिवियर है। तो आई होप इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी है स्नोरिंग क्यों होती है और उसको टेस्ट करने के लिए एक सिंपल होम स्लीप टेस्ट जो कहते हैं काफी हद तक कामयाब है, जो हमको इंफॉर्मेशन दे सकता है कि आपको स्नोरिंग है कि स्नोरिंग के साथ स्लीप एपनिया है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसके लिए फिर हमको क्या करना चाहिए।